स्वागत दोस्तों आप सबका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आप सबको पता है कि मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि आप मेरे को सिर्फ बताओ क्या चीज़ आपने यूट्यूब के रिलेटिव सीखना है, उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो एक भाई है जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे बोला कि हम अपने सब फॉर सब करें ना करें, मतलब इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। और मैक्सिमम आप में से सब लोगों को ये पता होगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट जो न्यू यूट्यूबर होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो चीज़ करते भी हैं और उनको इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं होता। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और मार्केट में इसका एक न्यू वर्जन भी आ चुका है, अगर मैं न्यू वर्जन बोलूँ तो शायद गलत नहीं, जैसे मोबाइलों का न्यू वर्जन होता है, इसका भी न्यू वर्जन आ चुका है जो कि डंडो और डनलो के नाम से चल रहा है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हमारे वीडियो के अंदर व्यू नहीं आते, सब्सक्राइब कोई नहीं करता हमको, तो हमारे पास एक रास्ता दिखता है कि हम अपने वीडियो को शेयर करें, चाहे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर या फिर कहीं पे टेलीग्राम पे शेयर करें। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप मिल जाते हैं जहां हम अपनी वीडियो को शेयर करते हैं, और उसके दौरान हमें यह भी पता लगता है कि सब फॉर सब नाम की भी कोई चीज़ होती है, आप हमें सब्सक्राइब करो हम आपको सब्सक्राइब करेंगे। और ये चीज़ बहुत सारे लोग करते हैं, हर एक स्टार्टिंग यूट्यूबर ये चीज़ करता है और कोई कोई होंगे जो नहीं करते होंगे। और क्या इसके फायदे और क्या इसके नुकसान है सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते इस वीडियो को शुरू करते, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर आल दबाना बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि ऐसी नॉलेज वाली वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इसके फायदे की। तो देखो फायदा सिर्फ आपको ये रहता है कि लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हो सकता है आपके एक वीडियो के अंदर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे प्यारा सा, और बाद में प्रूफ के लिए आपको स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे, जिससे आपका दिल भी खुश हो जाए कि हाँ यार उसने मेरे को सब्सक्राइब कर लिया। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान की। तो नुकसान इसके ज्यादा है फायदे से, मतलब कि फायदा सिर्फ आपको एक है कि सब्सक्राइब करेंगे बट अब इसके नुकसान भी सुन के जाना। तो पहला नुकसान आपका ये रहता है कि यार ये यूट्यूब के रूल के खिलाफ है, अगर यूट्यूब को पता लगता है कि आप ये चीज गलत तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो तो आपके चैनल के ऊपर यूट्यूब की टीम एक्शन भी ले सकती है। और अगला नुकसान ये कि बहुत सारे न्यू यूट्यूबर क्या करते हैं, किसी बड़ी यूट्यूबर की वीडियो के अंदर जाकर ना कमेंट करते हैं सब हो सब, या फिर कमेंट करते हैं डन दो डन लो, अब एक ही कमेंट ना बारी बारी करते हैं वो। अब इससे क्या होता है जब यूट्यूब की टीम उनको चेक कर लेती है ना, बाई चांस वो चेक करती है, बट हर एक का नहीं चेक करती, बट बाई चांस जब उन्होंने चेक कर लिया और आपका पकड़ा गया कि चैनल की हाँ यार आप बारी बारी ये चीज कर रहे हो, तो आपके चैनल को स्पैम के अंदर भी जा सकता है, जिसकी वजह से आपका चैनल बर्बाद भी हो सकता है। जब यूट्यूब को पता लगता है कि आप गलत तरीके से मतलब सब को सब करवा के अपने चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो, और जब यूट्यूब ये चेक करता है तो आपके जो सब्सक्राइबर वो धीरे धीरे घटा देता है और ये माइनस होने लग जाता है। आपने भी कभी ना कभी ध्यान दिया होगा कि आपके सब्सक्राइबर धीरे धीरे घट रहे होते हैं, क्योंकि वो आपने शायद गलत तरीके से बढ़ाए होते हैं। और अगला नुकसान ये है कि जितने भी लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे ना, उसमें से मैक्सिमम लोग ये होते हैं कि जब बाद में आपको एक हफ्ते के अंदर या फिर एक दिन के बाद, दो दिन के बाद, मतलब कुछ दिनों के अंदर ही आपको अनसब्सक्राइब कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 10-20 लोग ऐसे होते हैं 100 में से जो आपको परमानेंट सब्सक्राइब करके रखते हैं। और अगला नुकसान ये है कि जितने भी लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे वो आपके लॉन्ग टाइम तक व्यूवर नहीं रहते, मतलब कि आज आपकी वीडियो देखेंगे, कमेंट करेंगे, उसके बाद कभी भी आपका चैनल ओपन करके नहीं देखने वाले। और जितने भी आपको सब्सक्राइब करते हैं उनका वो अपने मेन चैनल से कभी आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं कि एक उन्होंने अलग से चैनल बना रखा था, वो सिर्फ इसी काम के लिए होता है कि वो आपको सब्सक्राइब करें, मतलब सब फॉर सब करें या फिर डन दो डन लो करें। और उनके बाद क्या होता है कि जो आपको सब्सक्राइब कर देंगे और उसके बाद वो कभी आपके चैनल को देखते ही नहीं, क्योंकि उनका तो काम ही होता है इस चैनल को ओपन करने के बाद कि सिर्फ सब फॉर सब लेने के लिए, मतलब डन दो डन लेने के लिए। उसके बाद मेन काम तो उनका जो अपना मेन चैनल होता है उसी से वो करते हैं। तो यार देखो यहाँ पे मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया कि मतलब फायदे और नुकसान, और इतने सारे आपको मैंने नुकसान बता दिए, मतलब सब्सक्राइब करेंगे बाद में अनसब्सक्राइब भी कर देंगे और ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल चैनल के सही नहीं है। और उम्मीद है कि आपको सारा समझ आ जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा से कमेंट कर देना, इससे मेरा मनोबल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और यार देखो अगर आपको कुछ भी सीखना है, फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है यूट्यूब के रिलेटेड, तो मेरे को कमेंट बता सकते हैं। यहाँ पर रिप्लाई ना मिला तो आपको इंस्टाग्राम पर जरूर रिप्लाई मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाकर जरूर चेक कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो करके जाना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।